अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल चना दाल पुलाव यानी कि खिचड़ी की रेसिपी। तो बहुत सी घरों में न्याज होती है और ये खिचड़ी बनाई जाती है, तो आपका जब भी मन करे तब ये खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है बिना कोई झंझट के। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चना दाल पुलाव या खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ ली है चने की दाल और चावल। दाल और चावल को हमने यहाँ आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और यहाँ हमने चावलों को भी भिगो दिया था, तो अच्छे से भीग गए हैं आप देख सकते हैं। और आप जो भी मतलब घर में चावल इस्तेमाल करते हैं वो आप चावल यहाँ ले सकते हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ प्रेशर कुकर में तेल को डालकर गर्म कर लिया है। यहाँ एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 लौंग और 8 से 10 हम यहाँ काली मिर्च और थोड़ा सा सहजीरा डालेंगे, 2 से 3 तेज पत्ते डालेंगे हम इसमें और इसे थोड़ा सा हम मतलब मिक्स कर लेंगे, तेल में फ्राई कर लेंगे हल्का सा, बस इस तरह से करना है। और अब हमने एक बड़े साइज की प्याज को रफली चॉप कर लिया है और इसे हम डाल देते हैं ऑयल में और इसे हमें करना है फ्राई। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है बढ़िया तरीके से और हम इसे इसी तरीके से बस चलाते जाएंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम आप हाई रखें, हाई फ्लेम पर प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएगी, तो बस इसे फ्राई कर लें। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। तो हमने इसमें ऐड कर दी है 3 हरी मिर्च और यहाँ हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से भूनेंगे हम। और भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो इसका कच्चापन है ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन का और बढ़िया तरीके से हमारे मसाले भुन जाएं और नीचे चले ना। तो इसे हम भून लेते हैं। भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर, तो मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आपको इसमें हल्दी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। बस अब हम इन सारे मसालों को बढ़िया से भून लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने भीगी हुई दाल को रखा है, तो उसे हम ऐड कर देते हैं मसालों के साथ, अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार। तो ये लीजिए दाल भी हमारी यहाँ बढ़िया तरीके से मसालों में मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी अभी आपको दाल और चावल दोनों के हिसाब से पानी आपको डालना है कि जितने में दाल और चावल हमारी पक जाएं, तो जितने आपने चावल लिए हैं उसका डबल पानी डालना है। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और सिर्फ इसमें 1 सीटी हम लगाएंगे ताकि दाल हमारी पक जाए, क्योंकि इसे टाइम लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 सीटी हमने इसमें दे दी है। उसके बाद हमने इसका प्रेशर निकाल कर और इसे खोल दिया है प्रेशर कुकर को और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो ये लीजिए यहाँ हमने ऐड कर दिए हैं चावल। तो अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हम पानी पहले ही डाल चुके हैं और अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम दाल और चावल दोनों के हिसाब का पानी इसमें ऐड कर चुके हैं। तो ये लीजिए इसे हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स कि दाल और चावल बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएं आपस में। और अब हम फिर से प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसमें 2 सीटियाँ और लगाएँगे और इसके बाद हम इसमें 10 मिनट तक इसमें प्रेशर रहने देंगे। और तो चलिए इसमें 2 सीटियाँ आ गई हैं और प्रेशर भी इसका निकल गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा पुलाव किस तरह से बना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया खिले खिले चावल हमारे यहाँ बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी हमारे चावल टूटे नहीं हैं और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सा हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है दाल का। तो अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी हम फ्राई की हुई प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं ऊपर से पिसा हुआ। तो ये लीजिए आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। सबसे पहले
पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं और चावल और दाल है बढ़िया तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। तो थोड़ा हल्के हाथों से आप मिक्स करें ताकि चावल जो है वो टूटे ना। तो चलिए इसे हमने कर दिया है मिक्स और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी सा हमारा खिचड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम कर लेते हैं इसकी गार्निशिंग। तो ऊपर से हम थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड के देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है हमारा ये खिचड़ा। तो आप इसे खिचड़ी भी बोल सकते हैं, खिचड़ा भी बोल सकते हैं, दाल का पुलाव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने एक हरी मिर्च को ऊपर से रख दिया है और इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो देखिए आप कितना टेस्टी लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही फटाफट से बन जाती है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।